पहले तो ये है कि धन्यवाद देंगे जो साइबर डिपार्टमेंट आया पटना से इस केस में, और जो लोकेशन ट्रेस हुआ उस लोकेशन से उस सही हत्यारे तक पहुंचने का काम हुआ इंद्रपुरी डैम को, डैम के पास वाला। अगर लोकेशन नहीं मिलता मोबाइल का तो फिर पता नहीं चलता कि आखिर वहां फेंकने गया कौन था बॉडी। तो और गाड़ी भी जब्त हुई, मोबाइल भी जब्त हुआ, सारा चीज़ हुआ और हथियारे में गए अंदर, दुष्कर्मी भी गए अंदर। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ क्या हमें जेल में डाल देना तो हमारा सॉल्यूशन, हमारी लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारी लड़ाई जब तक वो, अब तो नया लॉ आ गया है कि आपको अतिशीघ्र अगर अपराध साबित हो जाता है तो की सजा सुनाई जाएगी। किस केस में? नाबालिग के केस में। तो हमारी श्रेया जो थी वो नाबालिग है थी, और उसके बाद तो अब हमें उनको जब तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। चार डिमांड अभी पूरे सिनेरियो को देखा जो हमने, सबसे पहले वो डॉक्टर, जो डॉक्टर ने पहला मेडिकल रिपोर्ट गलत दिया ये बताते हुए कि नहीं यहाँ कोई इस तरह का रेप का वो नहीं हुआ। दूसरा वो सस्पेंड हो सरकारी, क्या वो पूरे जीवन डॉक्टरी नहीं कर सके, ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए हमें समाज में। नंबर वन हमारा ये लड़ाई जारी रहेगा। दूसरा उनको तमाम लोगों को फांसी की सजा। तीसरा जो जो पार्लर वाली महिला है जिसने ये पूरे षड्यंत्र को रचा अपनी बेटी के साथ, ये आजीवन कारावास इन पे बनता है। जो कानून कहता है वही हम बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं कुछ अनर्गल बात, आजीवन कारावास होगा इनको। और चौथी बात जो है हमारी ये होगी कि जो ये होटल है, ये 10 कदम की दूरी पे होटल में जहाँ पे ये बैंक्वेट और होटल है, वो जो बुलडोजर हमारे दारू के बोतल पे चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी चलवा रहे हैं, वही बुलडोजर हमें एक दिन के लिए यहाँ घुमवा दे और इस होटल को हमें बुलडोजर चलवा दे। ये जो होटल जहाँ श्रेया की हत्या हुआ, बबलू चंद का, और जहाँ हत्या हुई, जहाँ ये दुष्कर्म हुआ, जिस कमरे में वो पल पल तिल तिल होके वो बच्ची मरी, क्या गारंटी है कि वहाँ और हत्याएं पहले नहीं हुई होगी तो दोबारा आगे नहीं होगी। ये तमाम चीजों को देखते हुए हम इस होटल को पूरी तरह सफाया करने का कार्य करेंगे। मैडम ये बताइए कि अभी फिलहाल आरोपी के पिता बोल रहे हैं, बयान दिए हैं कि हमारा बेटा दोषी नहीं है, हम लोग गलत नहीं है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? कोई चोर बोला है कि हम चोरी किए हैं? कोई बोलता है क्या? तो वो तो उनका काम है, वो बोलेंगे ही। दूसरे का बच्चा गया तो बहुत मजा आया उनको, हाँ आज अपने बेटे पे आफत गिरा तो मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अरे भाई आपका बेटा ने तो खुद अपराध साबित कर लिया कि बोल लिया कि हाँ हमसे ये गुनाह हुआ, कबूला है। तो अब क्या सांच को आज क्या, वो तो खुद मान रहा है कि हमसे ये गलती हुई, तो उनके बोलने से क्या हो जाएगा, बोलते रहे उसे क्या फर्क पड़ता है। बस इसी वजह के लिए इतना जल्दी सजा मिलना चाहिए ना कि दूसरी श्रेया ना हो, ये कांड दूसरी श्रेया बिहार में नहीं होनी चाहिए। इतना जल्दी सजा मिले, इतनी जल्दी, पहले तो आप देख ही रहे हैं जो लीपापोती प्रशासन में चल रहा है, इसको जितना टाइम बाय कर रहे हैं उसमें महिला विकास मंच हर दिन इस पे निगाह रखेगी। वीना जी अपने पेज से हर दिन का रिपोर्ट, क्योंकि इनके फादर बहुत ज्यादा टूट गए और हिम्मत से, और सबसे पहला दिन भी वीना जी बता रही है आप ना, वो संतोष जी जो मंत्री जी हैं उन्होंने जब यहाँ से शुरुआत की, और अगर नहीं बुलंद करती हमारी प्रियंका झा, वीना जी और पूरी टीम हमारी आवाज बुलंद करती तो आज ये रास्ता दूसरी तरफ मुड़ गया था, उसको सीधा करने का काम हमने किया। और ये जब तक सजा नहीं मिलेगी छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। मैडम पीड़ित परिवार का बच्ची को तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन दुखों को कम किया जा सकता है। जो ये बबलू चंद गेस्ट हाउस को पूर्ण रूप से सील किया जाए, उसके बाद उस पर सील तो अतिशीघ्र 24 घंटे के अंदर, आज महिला विकास मंच डिमांड करके जा रही है 24 घंटे के अंदर वो होटल को सील होना चाहिए। और क्यों नहीं हुआ अभी तक? पुलिस को तो चाहिए थी उस होटल को सील कर देना, इतना बड़ा अपराध हुआ है और आप होटल को खुला छोड़ दिए हैं, फिर यहाँ लापरवाही, मतलब एकदम कसम खा ली है ये लोग कि हम लापरवाही पे लापरवाही करते ही रहेंगे। एसपी साहिबा को नहीं दिख रहा है कि इतना बड़ा अपराध हुआ है इस प्रॉपर्टी को सील करना चाहिए? ये कानून के धारा में नहीं आता है। वीना जी बता रहे हैं बैग से सामान उठा के ले जा रहे हैं, आपको पता है अभी होटल खाली होने का इंतजार हो रहा है। अच्छा आप बताइए कि आप माँ है, बच्ची के माँ है, अभी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, खुलासा भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को जिस तरह से पकड़ा गया है जल्द से जल्द उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। क्या ये खुलासा से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, लेकिन उतना संतुष्ट नहीं है जब तक उन लोगों को फांसी पर लटका नहीं दिया जाए। आगे आप केस लड़ेंगे? हाँ केस हम तक लड़ेंगे, और मुझे ये दीदी लोग का और सभी जितना भी पुलिस प्रशासन सभी का मुझे साथ चाहिए।
बिल्कुल, जो गेस्ट हाउस जो अभी बबलू चंदा जो गेस्ट हाउस है इसके इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या भी चाहते हैं कि होटल को तोड़ दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए? हम यही चाहते हैं कि मतलब फिर अगला श्रेया के साथ इस तरह का घटना ना हो, उसे हटा करके साफ कर दिया जाए कि ताकि किसी के साथ इस तरह का नहीं ना हो। जिस तरह मेरी बेटी को वहाँ पे करवा कर मारा गया है, उस निशान नाम निशान को हम हटा देना चाहते हैं। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारा बच्चा दोषी नहीं है, गलत नहीं है, इसको लेकर आप क्या? वो तो कहेंगे ना, लेकिन समझना चाहिए कि मेरी बेटी को कितना तड़पा कर मारे हैं वो मैं जानती हूँ कि कितना पल पल मैं तड़प रही हूँ, और जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पाए हैं वो तो उसका सजा मिलना ही है। प्रियंका जी बताइए कि अभी अब मौजूद है श्रेया के घर पर, दोबारा आप आई हैं, आप लोग का अगला कदम क्या हो? बस श्रेया को न्याय मिले, हमें मौत के बदले मौत चाहिए। जो भी इस पे दोषी है और भी कुछ लोग हैं जिस पे संदेह की नजर जा रही है, जो श्रेया के परिवार का कहना है, जो लोग भी संलिप्त हैं उन सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो होटल है, जिस होटल में श्रेया ने तरप तरप करके अपनी जान को दे दी है, उसका तरफा तरफा के उसको मारा गया है, उसी तरीके से अब उस होटल में कोई और श्रेया बलि न चढ़े, इसीलिए उस होटल को बुलडोजर से उखाड़ फेंक करके वहां पे हमारी श्रेया की बहन की एक स्मृति चिन्ह बननी चाहिए। क्योंकि आज हमारी श्रेया यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी डर, उसकी खौफ, जिस तरीके से दरिंदगी ने अपनी दरिंदगी दिखाई, वो पूरा क्षेत्र में मातम बना हुआ है। आज हर परिवार अपने बच्चे को ट्यूशन स्कूल भेजने से घबरा रहे हैं। तो ये दहशत है, दहशत। और ये प्रशासन जो ना जाने किस तरह से श्रेया के कहानी को एक अलग मोड़ देने का काम कर रहे थे, कभी प्रेम प्रसंग का मामला जोड़ रहे थे, कभी पारिवारिक मुद्दा बना रहे थे कि परिवार के लोगों की साजिश हो सकती है, शर्म आनी चाहिए। एक तो बच्ची जो हमारी इस दुनिया में नहीं रही, वो चली गई, ऊपर से जाने के बाद भी क्या आप लोगों के अंदर की इतनी इंसानियत नहीं बची है? मर गई आप लोगों के अंदर की इंसानियत, जाने के बाद भी उसको जलील कर रहे हैं। असली कातिल तक तो पहुंच नहीं पाते, लेकिन मीडिया में आकर के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और कुछ ऐसे यूट्यूबर लोग जो ना जाने श्रेया के मामलों को तरह तरह मोड़ देने का काम करते थे ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। मैं बस इतना ही कहूंगी बिहार सरकार से कि न तो बिहार सरकार को प्रशासन पे नियंत्रण है और न प्रशासन को कानून व्यवस्था पे नियंत्रण है, बस वो मनमर्जी और अयाशी करने में लगे हैं। और अपराधियों के बीच प्रशासन की खौफ तो खत्म सी हो गई है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या ये बड़े बड़े पोस्टर तक के लिए रहेगी या धरातल पे दिखेगी भी? हमारी बेटी पढ़ने तो जाती है लेकिन पढ़ के वापस घर नहीं पहुंच पाती है। आखिर कब तक हमारी बेटियां सूली पे चढ़ेगी, इस दरिंदों की हवस की शिकार बनेगी? क्या हम बेटियां इसीलिए जन्म लेते हैं कि दूसरे की हवस का भूख मिटाऊं मैं? तो हमें न्याय चाहिए और हमें न्याय की उम्मीद है। हम लड़ेंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम उसको उस जगह न पहुंचा दें। यहाँ के एसपी साहिबा फिलहाल खुलासा की है, उनको क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहिबा जो खुलासा की है, पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें भरोसा है कानून व्यवस्था पे, हमें भरोसा है बिहार के डीजीपी पे, और हमें यकीन है कि हमें श्रेया की न्याय मिलेगी और उस दरिंदा को उसी पे उसी जगह पे पहुंचाऊंगी जहां हमारी श्रेया गई। क्या श्रेया कांड में आप हमेशा समीक्षा करेंगे? बिल्कुल, हम लोग सोशल मीडिया के जरिए हमेशा अपडेट रहेंगे, श्रेया के परिवार से बात करूंगी, और जहां भी देखूंगी कि यहां पे कहीं ना कहीं प्रशासन झुक रहे वहां पे आकर के उनको रगड़ने का भी काम करूंगी। फाइनल में बताइए श्रेया मामले में आपका क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अपराधी पकड़ में आ गए हैं, पुलिस भी पकड़ के उन लोगों को जेल डालती है। देखिए अब ये तो बहुत दुख भरी बात है, जो मतलब एक माँ के लिए मतलब इससे बड़ा क्या होगा कि उसका कोख उजड़ जाए, बहुत बड़ी बात है। बाकी कहीं ना कहीं शर्म लगता है, अब दुख होता है हमारे मुख्यमंत्री जी पे कि कहीं सभा लगाते हैं, कहीं भाषण देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, उनको उनके लिए टाइम है, एक माँ की बेटी चली गई मर गई है, उसका हथियारा उसको मतलब उनके उसका कोख उजाड़ दिया है, उनकी उस माँ से मिलने के सरिया के माँ से मिलने के परिवार से मिलने के लिए मेरे मुख्यमंत्री जी नहीं आए। वो हमारे मुख्यमंत्री जी पर हमको सबसे बड़ा अफसोस है कि हमारे देश के 9 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एक महान पुरुष राज्य के,
और महान पुरुष जो है, जो जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं, पूरा देश मतलब हमारा बिहार का भाग दौड़ उनके हाथ में है, एक माँ के लिए उनके लिए टाइम नहीं मिला कि वो आकर कम से कम उस माँ से मिल ले, सरिया की माँ से मिल ले? आज अगर उनकी माँ से मिल लेते हैं, ये पुलिस प्रशासन एसपी डीएसपी दुनिया जान सब खड़ा हो जाता। वो अगर खड़े होते ना तो इतने हम लोग को भागने की या मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। बहुत मतलब कहीं ना कहीं बेटी के नाम पे जो कहते हैं कि बेटी को महिला को 50% का देते हैं आरक्षण, कुछ नहीं, ये सब कागज पे है और ऐसा ही रहेगा। हमारी बेटी रोज पैदा होगी, रोज मरेगी, रोज लोग रेप करेंगे, रोज ऐसे ही मार के फेंक देंगे। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आप जहां भी हैं सुन लीजिए, आप चाहे जो भी कर दीजिए, बाकी कम से कम एक बार ये माँ से मिलने के लिए आ जाइए। अपराधियों को क्या कहना चाहेंगे? अपराधी तो क्या कहेंगे, अपराधी को तो फांसी होना चाहिए, अपराधी को क्या कहना है? अपराधी तो अपराधी होता है, उसको तो फांसी से बड़ा भी कुछ सजा हो तो हो जाए। मौत का इंतजार करें, मौत का, मौत मौत चाहिए, मौत मौत सजाए मौत। एक बार एक सजा मिली कि कई श्रेया बचेंगी, सही बात है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, श्रेया तो चली गई, अब ये श्रेया और श्रेया की सजा कई अपराधियों का मनोबल तोड़ेगा और नहीं टूटा, और इसलिए मुख्यमंत्री को आने की मांग की गई है। वो आएंगे तो उनके राज में सुगम होगा, जो आज अपराधीकरण हो गया है, आपको हर जगह हर गली में अपराधी बड़े पड़े। श्रेया के चाची हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम जानेंगे कि के मामले में खुलासा भी हुआ है, आपके दुख दर्द को तो हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कातिल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? और सरकार के बारे में ही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी बेटी जिस तरह से तड़प तड़प के गई, उसी तरह कातिल को गोड़ हाथ काट के सजा मिलना चाहिए। जो हाथ से मेरी बेटी की गला दबाए, उस हाथ को पहले काटे उसको, और उसके बाद में फांसी की सजा होना चाहिए। चलिए, देख सकते हैं कि परिवार के लोगों का जिस तरीके से आक्रोश है, इसको कम नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, बिहार के आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा कर मारा गया है, उसी तरह से उन दोषियों को भी फांसी को लटकाया जाए और जल्द से जल्द मतलब होना चाहिए।